बाल लगे दिया बादल नीचे उसके ऊपर हम हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत और नई ब्लॉग के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गैरसैंण से भरड़सैंण विधानसभा। तो सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर नाग और नागिन है, तो गोविंद भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और मैं भी हूँ और पीछे प्रेम भी है। भाई डर तो लगेगा ना? तो अभी तो हम लोग गैरसैंण में है, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से भरड़सैंण के लिए, जो कि यहाँ से राउंड फिगर में 15 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm... तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार स्पीड निशार्क है। बिल्कुल लैंडस्लाइड, पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे, पूरा स्लाइडिंग स्लाइडिंग हो रही है। देखो सारे पेड़ निशार्क है, नुकसान होता रहेगा जंगल का जब तक इन पे दीवार लगी चारों तरफ। पोल टूट गया, बिजली खंभे टूट गया। तो देखिए, तो गाइस अभी हम लोग दिवाली खाल से 1 किलोमीटर आगे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ हमको देखने के लिए क्या मिलता है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है, स्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह पेड़ नीचे आ रखे है, कहीं पे मलबा नीचे आ रखा है। तो जो यहाँ पे रोड कटिंग हो रखी है ये काफ़ी गलत हो रखी है, ऐसी कटिंग मैंने कहीं देखी नहीं आज तक। बिल्कुल खड़ी कटिंग हो रखी है, जबकि उसको ढलान देना चाहिए था कि मतलब मलबा ना आए नीचे को। इस प्राय कटिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे जगह जगह मलबा आ रखा है, कहीं पेड़ नीचे आ रखा है। तो आगे भी आपने यही देखा होगा ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं डेयरी फार्म भरड़सैण में। तो गाइस भरड़सैण में विजिट करते ही होने लग गया है बहुत जोर की बारिश बार। उतरे फिर बाहर भाई, बारिश में नहीं उतरने का, नहीं उतरेगा भाई। बैस बड़े यार, और ठीक है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भरड़सैण में। तो पीछे देख पा रहे होंगे आप विधानसभा की कुछ बिल्डिंग दिख रही है। तो यहाँ से गैरसैण अभी कुछ भी दिख नहीं पा रहा है, कोयला लगा है, पूरा पूरा मौसम पैक हो गया है, बाहर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो गाइस जो मैं कह रहा था, विधानसभा भवन के नीचे एक नाग नागिन है, तो वो यहाँ पे लोगों ने देखा कई बार। तो फिलहाल तो यहाँ पे जेएसपी ने कुछ काम भी कर रखा है, फिलहाल तो दिख भी नहीं पा रहा है यहाँ पर से, जाने का रास्ता नहीं है। पहले तो यहाँ पे रास्ता जाने का, तो फिलहाल जेएसपी ने पूरा काट दिया, ये कटिंग हो गई यहाँ पे। तो देखते हैं ऊपर जाके, जो ये पत्थर है इस पत्थर के नीचे थे वाले पहले, देखेंगे अभी थोड़ा भी बारिश थोड़ा कम होगी तो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे लगी हुई है हमारी सूरज भाई की गाड़ी, जो कि अभी दिल्ली से आ रहे हैं। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे चरण सिंह भाई के शॉप पे बैठे हुए हैं। तो गाइस फिलहाल बारिश अभी बंद हो चुकी है, तो चलो चलते हैं फिलहाल नाग और नागिन देखने। क्या पता दिखेगा ना दिखेगा, वो तो अभी पता चलेगा। आ जाओ बताया जा रहा था कि यहाँ पे नाग नागिन है। यहाँ पे दिया भी रखा है, देखो। हाँ दे तो रखा है, अभी थोड़ी आएंगे वो भगवान है, जो भगवान भेर। दो सुराख थे आने जाने के, आने जाने के है, आने जाने के दो सुराख है, उधर एक इधर है और एक सामने पे। वो माया है उसकी, कहीं ना कहीं से तो सुई बन के भी चल सकता है। तो जो बताया गया था हमको यहीं पे बताया गया था, लोकेशन भी यही है, दिया भी दे रखा है यहाँ पे। फिलहाल तो दिख नहीं रहा, अभी हमारी बैड किस्मत होगी। दिख रहा दिख रहा वो दिख रहा वो दिख रहा हाँ ना हाथ टक्कर लगा मुझे अभी कॉल लगता है। तो गाइस फिलहाल हमको नाग नागिन तो दिखे नहीं,
तो चलो चलते यहाँ पर से। तो अभी सूरज यहाँ से नीचे कूदने की सोच रहा है। बाल लगे चला दिया चलो चले फिर गाड़ी को हुई। तो गाइज ये है राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण। बचपन से यही पढ़ा था हम लोग। बचपन यही कटा, पूरा बचपन यही कटा हमारा। तो गाइज जब पहले हम यहाँ पढ़ते थे तब यहाँ पे ये भी नहीं बना था। ये भवंदा भी बन रहा है यहाँ पे, इस पर काम लगा हुआ है। ये भी नहीं था बट ये पहले से था। ये भी था, ये भी था, ये भी था, वो भी था। तो पूरा बचपन यही कटा, 12 तक मैंने यही पढ़ा। एक भवन नीचे बन रहा है शायद, आधा बन भी गया है, वो भी पूरा बन गया शायद। एक भवन ही बना हुआ है, उस भवन पे तो काम लगा हुआ है। तो गाइज 9 मैंने यहाँ पढ़ा, 10 मैंने इस वाला ये वाला रूम में पढ़ा, और 11 उस रूम में, 12 उस रूम में पढ़ा। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं भराड़ीसैंण। तो ये है भराड़ीसैंण का मेन मार्केट। ये है आदमी, तो रात धोर यहाँ तक चिड़िया भी दिख रही है। गाइज ये देखिए, सारे सुना सुना कैसे कैसे तुमने, कोई नहीं है इस भराड़ीसैंण में। हेलो। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड, तो आपको हेलीपैड की शेयर कराएंगे। तो गाइज हम एक ऐसी लोकेशन में खड़े हैं कि बादल नीचे से और हम ऊपर से हैं। तो गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। बादल नीचे है, मैं ऊपर हूँ। मजा आ गया। गोविंद मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि बादल नीचे और हम ऊपर से। वो देखो प्रेम का आधार का। तो गाइस फिलहाल धीरे धीरे बादल हमारे नजदीक आते जा रहे हैं। यहाँ पे तो धूप खिली हुई है मस्त। तो गाइस ये है विधानसभा का हेलीपैड जो आप देख पा रहे होंगे सामने। ये है विधानसभा, यहाँ नीचे तो कुछ दिख नहीं पा रहा है, अभी पूरे बादल ही बादल हो रखे है। अमेजिंग, मस्त, जबरदस्त, अल्टीमेट। तो गाइज ये है नेचुरल, अल्टीमेट नेचुरल जो आप देख पा रहे होंगे। यह है ब्यूटीफुल उत्तराखंड। बादल नीचे उसके ऊपर हम। तो गाइज अभी हमारी किस्मत सही रही यहाँ पे आने की, वरना यहाँ पे फॉगी फॉग रहता है 24 घंटा। तो जैसे हम यहाँ पे आए धूप भी खिल गई और हमें मस्त नीचे बादल भी दिख गए और मस्त फोटो शूट भी हो गए यहाँ पे। तो गाइज फिलहाल निकलते हैं यहाँ पर से। तो गाइज जो यहाँ का मौसम है वो पल भर में चेंज होता जा रहा है। 5 मिनट मौसम कुछ और था, 5 मिनट बाद मौसम कुछ और। अभी आपने यहाँ पे धूप देखी होगी, अभी देखो पूरे बादल छा गए, मतलब कोहरा लग गया, पूरा फॉगी फॉग हो गया। इसके बाद हम गाना आएंगे। तो गोविंद यहाँ के मौसम के बारे में क्या बताना चाहेगा? मेरे कहने का मतलब है कि भराड़ीसैंण का मौसम और मुंबई का फैशन कभी बदल सकता है, कोई बदल नहीं है। तो गाइस गोविंद का कहना है भराड़ीसैंण का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है, इसका कोई अनुमान लगा सकता है। तो गाइस फिलहाल हमने यहाँ पे अपना काफी टाइम स्पेंड किया और फिलहाल निकलते हैं, शाम की 6 बज चुकी है।
तो गोविंद अभी क्या देख रहे हैं आप, नजारा क्या नजारा देख रहे हैं? सामने खेत देख रहे हैं, यहाँ खेत में क्या हो रहा है, चार हो रहा है। अच्छा, दीवार दे रहे हो कितनी टूटी थी, लगी ना नया दीवार, इधर दे रहे हो कैसी नया, क्या क्या कर रहे हैं दुकानदार ने। तो गोविंद पहले यही रहता था, बस हाथ के में है ना, गाय भैंस के साथ रोड भी खा दूंगी पापा के साथ जी। हाँ, करोड़ में जमीन बिका है, 5 करोड़ में। तो भाई ये है गोविंद का गौशाला। तो पूरा जमीन गोविंद की है। हेलो हेलो, बढ़िया भाषा, नमस्कार नमस्कार, बढ़िया नमस्कार भाषा। तो आपने पिछले ब्लॉग में दिखा होगा, इनकी शादी का ब्लॉग बनाया था मैंने, तो यहाँ पे दिए भाई घरार के आज, तो मिठाई मिठाई खाते चलो। तो यहाँ पे हमारे गाड़ी के अंदर बिल्ली घुस गया। तो गाइस ये है हमारा पोस्ट ऑफिस, फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रहे हैं हम, चलते फिलहाल यहाँ पर से। ठीक है मामू जी, बाय। तो गाइस भरत चरण में सावन के महीने में कोई ना लगे, ये तो सरल बात है। वो तो एडिट कर, यहाँ पे मिले हमें कुछ भाई अपना, और जबरदस्त हम गए, हम चाय पिला रहे हैं। चाय पी के जाओ, चाय पी के जाओ, तो चलो फिलहाल चाय पीते हैं गाड़ी में ही। तो कुछ भाई कब आएगा, कल आए ना? धर्म भाई को राम राम, काफी दिन बाद मिल रहे हैं, और ये मुलाकात जो है होती रहेगी रेगुलर। तो हमारे भाई जी जो है आर्मी में रहते हैं, किस वर्ष बोला आप, दिल्ली मानेसर? अभी तो मानेसर में एनएसजी में पोस्टिंग है। अच्छा, तो गाइस फिलहाल अंदर भी होने लग गए हैं बाहर। भैरव नाथ टेम्पल। तो गाइस आपने देखा होगा जंगल में पेड़ों की आवाज अजीब अजीब, और आते रहते हैं। इसको लिलार, इसको हम बोलते हैं लिलार, गढ़वाली में। हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, हिंदी में उसको आलराम बोलते हैं। तो गाइस 8:03 हो चुके हैं, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे, अभी 3 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस फैलने हम पहुंच चुके हैं गैरसैन। तो गाइस फैलने हम रूम पे पहुंच चुके हैं, अब फटाफट डिनर बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं और मस्त सो जाते हैं। तो गाइस फिर हमारा डिनर बन चुका है, डिनर है आज केवल मैगी, सिंगल है आज मैगी है ना। और इसमें रोटी होती ना, इसलिए आज सिंगल हो गया आज। तो गाइस भूख तो किसी को लगी थी नहीं, तो इसलिए हमने मैगी बना ली थोड़ा थोड़ा, मैगी खाते हैं फिलहाल।